एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट और इसका पार्ट नंबर 5 ₹10,000 फॉर 3 इयर्स एट 7.12% पर annum कंपाउंडेड ईयरली। प्रिंसिपल अमाउंट यहां बताई गई है ₹10,000। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ₹10,000 और उसके बाद 3 इयर्स है टाइम बताया गया है 3 ईयर्स और उसके बाद 7.12% जो है ये प्रॉफिट का रेट बताया गया है, रेट है जो कि परसेंटेज में होता है, रेट 7.12%। ये जो रेट है फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे ताकि बाद में इसको सिंपलीफाई करना आसान हो। इस तरह भी हम कर सकते हैं लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे तो फिर इसको सिंपलीफाई करना आसान होगा। 7.2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 14 प्लस 1 15 15 और डिनोमिनेटर में 2 है और 7% का सिंबल है परसेंट। अब 15 को 2 से डिवाइड करें तो ये 7.5 होगा। कैलकुलेटर को मदद से आप इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 और 7% का सिंबल तो परसेंट, यानी कि ये जो 7.12% है इसी की आसान शक्ल है 7.5%, यानी कि इसका डेसिमल फॉर्म है इसकी। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपाउंड फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट, कंपाउंड प्रॉफिट को हमने मालूम करना है और यहाँ पर मैं प्रिंसिपल अमाउंट के लिए पी ए लिख रहा हूँ, कंपाउंड प्रॉफिट के लिए सी पी लिख रहा हूँ, लेकिन जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको कम्प्लीट स्पेलिंग के साथ लिखना है। कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम करना है तो कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम करने का आपको पता है कि इसका फार्मूला लिखना पड़ता है और इसका फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर टाइम और फिर उसमें से माइनस कर देते हैं फिर से प्रिंसिपल अमाउंट को। यह है फार्मूला प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी कंपाउंड प्रॉफिट को मालूम करने का। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये जो फार्मूला हमने लिखा है इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है पहले फार्मूले में, इसकी वैल्यू है ₹10,000। 10,000 इंटू फार्मूले का 1 प्लस आर ओवर 100 है, आर मीन्स रेट, रेट है 7.12% और इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा 7.5%, इसलिए इसको हम लिख लेते हैं 7.5 और डिनोमिनेटर में 100 है जो कि परसेंटेज के सिंबल की वजह से आ रहा है। टू द पावर टाइम, टाइम जैसा कि यहाँ पर 3 इयर्स है इसलिए इसकी पावर 3 ले लेंगे। माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट है ₹10,000। इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए 10,000 जो कि फार्मूले में है 1 प्लस 7.5 ओवर 100, 7.5 को डिवाइड 100 से कर लेते हैं। 7.5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.075 आया 7.5 को 100 से डिवाइड करने पर। अब इसकी पावर 3 है तो पावर 3 ले लेंगे और माइनस 10,000 इंटू ये जो 1 है प्लस हो रहा है 0.075 में और जब प्लस करेंगे 1 को तो ये बन जाएगा 1.075 और इसकी पावर 3 माइनस 10,000। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्यूब ले लेंगे 1.075 का, पहले ये 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 इंटू अब 1.075 का क्यूब लेना है। कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि इसकी जो पावर 3 है वो लेनी है 1.075 और इसका क्यूब लिया तो ये बन गया 1.242296875। इसको सारे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1.242296875 और ये 6 के बाद 8 है इसको 7 कर लेंगे, राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 1.242 और उसके बाद 9 और राउंड ऑफ करके 7। अब इसकी पावर 3 नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसकी का क्यूब ले लिया है 0.175 का, इसकी पावर 3 ले ली है। माइनस 10,000
अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये जो 10,000 है 1.242297 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10,000 से कर देंगे, तो ये बन जाएगा 12,422.96875, 12,422.96875 माइनस 10,000। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं 10,000 को, ये जो आया है हमारे पास 12,422.96875, इसमें से माइनस हो रहा है ये वाला 10,000, तो इसको अब माइनस कर लेते हैं। -10,000 इज इक्वल टू 2,422.96875, ये जो आगे ये डिजिट्स आ रहे हैं 96875, जैसे कि मैंने कहा इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, 9 के बाद हम इसको राउंड ऑफ करके, ये ग्रेटर देन 5 है 8, इसलिए इसको राउंड ऑफ कर जब करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, इसमें 1 प्लस कर लेंगे। तो ये हमने मालूम कर लिया कंपाउंड प्रॉफिट, कंपाउंड प्रॉफिट को हमने मालूम किया, कंपाउंड प्रॉफिट है 2,422.97 और ये रुपीज़ में है, करेंसी यहाँ इस्तेमाल हो रही है रुपीज़, इसलिए 7 रुपीज़ का सिंबल लगेगा और यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा।